मेहनत करते हैं, मुझे लगता है मेहनत आप करते हैं, उसका जो पॉजिटिविटी है और जो प्राइड है वो हम लोगों को मिलता है। आप लोग जब एशियन गेम्स में या इंटरनेशनल गेम्स में जब भी जाके खेलते हैं, तो मुझे ये लगता है कि हमारे देश में हो सकता है कि कई प्रकार के डिवाइड्स हों, कि कोई एक भाषा बोलता है, कोई दूसरी भाषा बोलता है, कोई एक धर्म का है, कोई दूसरे धर्म का है, कोई एक सोच का है, कोई दूसरी सोच का है। लेकिन जब आप लोग इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और खेलते हैं, तो पूरा देश आपके पीछे यूनाइट होता है और एक हो जाता है। उस समय सारे डिफरेंसेस खत्म हो जाते हैं। और आप लोग जब मेडल जीत के आते हैं और जब वहां पे तिरंगा उठता है और हमारा नेशनल एंथम जनगण जब बजता है, तो मुझे लगता है कि जितना गौरव देश के सभी लोगों को होता है, तो शायद उसके लिए शब्द भी नहीं है हमारे पास उसको डिस्क्राइब करने के लिए। लेकिन जब हम ये गर्व महसूस करते हैं, तो शायद हम तो आपकी वो विक्ट्रीज देखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो सालों की मेहनत गई है, जो एक स्पोर्ट्स पर्सन बनने में, जो ट्रेनिंग करने में, जो रोज सुबह सुबह 5 बजे उठ के तैयारी करने में, जब आपके सारे दोस्त और आपके सारे भाई बहन और कजन्स मूवी देखने जाते हैं, छुट्टी पे जाते हैं, लेकिन आपको रोज 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 विदाउट फेल अपनी ट्रेनिंग करनी है, तो ये जो आपकी इतने सालों की तपस्या है, यही गौरव लेके आती है देश के लिए, यही गौरव लेके आती है जब हमारा तिरंगा उठता है और आई थिंक हर भारतवासी का कॉलर गर्व से उठ जाता है। तो इसके लिए मैं सभी भारतवासियों की तरफ से आपको धन्यवाद भी करना चाहूंगी कि आप हमें ऐसे प्राइड का, ऐसे गर्व का मौका देते हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि पिछले 9 साल से दिल्ली सरकार, हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के लीडरशिप में, बहुत सारी नई स्कीम्स लेकर आए हैं स्पोर्ट्स पर्सन को सपोर्ट करने के लिए। अभी रिसेंटली हम एक दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल हमने खोला है एज अ पार्ट ऑफ आर दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, तो हम वहां पे भी गए थे, तो मैंने तब भी एक चीज कही थी कि मैं जितने 8-9 साल से सर को देख रही हूं, सर का फोकस एक ही चीज पे है कि इंडिया को ज्यादा से ज्यादा ओलंपिक गोल्ड कैसे मिल सकते हैं, उस पर हमारे सीएम साहब का फोकस रहा है और उसी के लिए हमारी जो भी पॉलिसीज हैं स्पोर्ट्स पर्सन को सपोर्ट करने की, चाहे जो इस स्कीम के तहत जो आप लोग मेडल्स जीत के आए हैं, आपको कैश इंसेंटिव देना, हमारे स्टूडेंट्स के लिए प्ले एंड प्रोग्रेस स्कीम, मिशन एक्सीलेंस स्कीम, और अब मुझे खुशी है इस बात की कि हमने एक दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की भी शुरुआत की है और देश भर से ट्रायल्स करके 10 ओलंपिक स्पोर्ट्स के लिए हमारे स्कूल में अब स्टूडेंट्स आए हैं जो अलग अलग स्पोर्ट्स के ओलंपिक गोल्ड्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। सो हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं, और ना सिर्फ शुभकामनाएं, आपको कभी भी किसी प्रकार की मदद चाहिए हो, सपोर्ट चाहिए हो, तो दिल्ली की सरकार हमेशा आप लोगों के साथ खड़ी है। हम तो बस यही चाहते हैं कि जिस मेहनत से आज आप यहां तक पहुंचे हैं, आप लोग आगे भी पहुंचकर देश का नाम रोशन करते रहें, और जिस तरह से हमारा कॉलर गर्व से आपके एशियन गेम्स के सक्सेस से उठा है, ऐसा ही मौका आप हमें ओलंपिक्स में भी दें, ऐसी हमारी मनोकामना है। वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले हमारे खिलाड़ियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने वाकई देश का नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन किया और खासकर दिल्ली का नाम पूरे जगत में रोशन किया, और हर साल रोशन, इनमें से आप में से कई लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं, हर साल दर साल आप लोग दिल्ली का नाम रोशन कर रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू एंड द होल कंट्री इज प्राउड ऑफ यू। जैसा अभी और मैं कोचेज को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों ने इतने अच्छी कोचिंग करके और एक तरह से हीरे को तराशने का काम किया है। जैसा अभी अतीश ने कहा कि जब आप वहां पे मेडल जीतते हैं, तो आप अपने देश के अंदर हम आपस में चाहे जितनी मर्जी एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हो, लेकिन जब आप वहां पे खड़े होकर तिरंगा लहराते हैं और वहां पे सारी दुनिया के सामने राष्ट्रगान बजता है, तो सारा देश जो है वो एक साथ खड़ा हो जाता है, अपने सारे डिफरेंसेस को भुला के और तालियां बजाता है आप लोगों के लिए, और गर्व महसूस करता है कि हमारे लड़के ने, हमारी लड़की ने देश का नाम रोशन किया है। आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, ऐसी हमारी मनोकामना है। मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों
का बहुत संघर्ष रहा, ये मुकाम इतनी आसानी से नहीं पाया जा सकता। बहुत आप लोगों ने संघर्ष किया, बहुत आप लोगों ने त्याग किया, तपस्या की, तब ये हासिल किया है। हमारी कोशिश है कि हम जितना आपको सहयोग कर सकें इस आपके संघर्ष में, उतना सहयोग हम लोग करें। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा 140 करोड़ लोगों का देश है और इस हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट बहुत है। और सबसे हमेशा मैं उदाहरण देता हूं, जैसे ट्रैफिक लाइट पे जब आप रुकते हैं और ट्रैफिक लाइट पे कई बार हम देखते हैं कि गरीब बच्चे भिखारी जो है वो भीख मांगने के लिए अपने जिम्नास्टिक के करतब दिखाता है, गोले में से निकलता है कभी तरह तरह के, उसके जैसी फ्लेक्सिबल बॉडी आपको बड़े बड़े जिम्नास्ट की भी नहीं मिलेगी। तो वो जो भिखारी है, अगर जो जो करतब दिखा रहे हैं ट्रैफिक लाइट के ऊपर, अगर उनको सही अवसर प्रदान कर दिया जाए तो शायद दुनिया के बड़े बड़े जिम्नास्ट को भी वो पीछे छोड़ सकते हैं। हमारे देश में गांव गांव के अंदर, शहर शहर के अंदर, मोहल्ले मोहल्ले के अंदर जबरदस्त टैलेंट है और वो टैलेंट संघर्ष भी कर रहा है, लेकिन उसको अवसर नहीं मिला, उसको सुविधाएं नहीं मिली। और वो अवसर और सुविधाएं देने का काम हम सरकारों का था और कमी हमारे अंदर रह गई, सरकारों के अंदर रह गई। कोई एक सरकार को मैं दोष नहीं दे रहा, हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। तो जब हमारी सरकार बनी, हमारी कोशिश यही थी कि हम कैसे और ज्यादा से ज्यादा उभरते हुए खिलाड़ियों की मदद कर सकें। तो जब हमने पता किया तो पता चला कि देश के कई राज्य ऐसे हैं जिनकी पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं, तो इधर उधर से कर करा के हमने सारी पॉलिसीज मंगाई और हमने देश की सबसे बेहतरीन पॉलिसी बनाने की कोशिश की। उस वक्त जब हमने पॉलिसी बनाई तो देश की सबसे बेहतरीन पॉलिसी थी, लेकिन अभी मुझे बताया गया पिछले 2-3 साल के अंदर और कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए हैं कुछ राज्यों ने, उसको भी हम इनकॉर्पोरेट करेंगे और फिर से हमारी दिल्ली की पॉलिसी देश की सबसे बेहतरीन पॉलिसी होगी। जो चेंजेस, अच्छे चेंजेस जो दूसरों ने किए हैं, दूसरों से सीखने की जरूरत। मुझे आके खिलाड़ी बताते हैं, जी फलाने स्टेट ने ये चेंज कर दिया, फलाने स्टेट में ये हो गया, ये हो गया, वो सारी चीजें हम लोग करेंगे। दूसरा हमारा मकसद है स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना, जैसे अभी कुछ खिलाड़ियों ने बताया, उस दिशा में भी हमने काफी काम करने की कोशिश की है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी क्रिएट करने की कोशिश की है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब खिलाड़ी अपना संघर्ष कर रहा होता है उस वक्त कोई उसकी मदद नहीं करता। जीतने के बाद कहीं गोल्ड मेडल ले आए तब तो सारी दुनिया आ जाती है उसके साथ फोटो खिंचाने के लिए और उसको अवार्ड देने के लिए, लेकिन जब वो संघर्ष कर रहा होता है तब उसका कोई साथ नहीं देता। उस वक्त उसको अगर थोड़ा सा सहारा मिल जाए तो फिर वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर सकता है। और इसमें हम दूसरे देशों से सीखते हैं, कई देश जैसे चाइना है, वहां बताते हैं कि छोटे बचपन में उसको वो कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है और बचपन से उसको आगे ग्रूम किया जाता है उस स्पोर्ट्स के लिए। उसी दिशा के अंदर हमने कुछ कदम उठाने की कोशिश की है। एक तो हमने प्ले एंड प्रोग्रेस स्कीम निकाली है जिसमें 17 साल तक की उम्र के बच्चे, छोटे बच्चे भी, 17 साल तक की उम्र के बच्चे अगर किसी स्पोर्ट्स में प्रतिभा दिखाते हैं तो हम उस बच्चे को अपनी प्रतिभा को डेवलप करने के लिए 1-3 लाख रुपए सालाना की राशि देते हैं ताकि उससे वो कोचिंग ले सके, अपनी डाइट इंप्रूव कर सके और जो भी उसे अपने स्पोर्ट्स का सामान खरीदना है वो सामान खरीद सके। तो इसी प्ले एंड प्रोग्रेस में मुझे बताया गया 2018 से 2022 चार साल के अंदर हमने 1,500 बच्चों को 32 करोड़ रुपए की राशि देके हम लोगों ने मदद की है। इसके अलावा मिशन एक्सीलेंस हमारा प्रोग्राम है जिसके तहत जो लोग, जो बच्चे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर प्रतिभा दिखाते हैं उनको भी तैयारी करने के लिए, कोचिंग करने के लिए, डाइट के लिए, स्पोर्ट्स का सामान खरीदने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए हम लोग 16 लाख रुपए की राशि देते हैं उनको। और पिछले 4 साल में हमने 400 खिलाड़ियों को 25 करोड़ रुपए की मदद की है। इसके अलावा कैश इंसेंटिव जो आज हम लोगों ने किया कि जो लोग ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, नेशनल इंटरनेशनल गेम्स में अवार्ड जीत के आते हैं उन लोगों को फिर हम कैश इंसेंटिव्स या कैश अवार्ड्स देते हैं, जिसमें ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने वालों को 3 करोड़ रुपए, सिल्वर मेडल लाने वालों को 2 करोड़ रुपए, ब्रॉन्ज मेडल लाने वालों को 1 करोड़ रुपए, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लाने वालों को 1 करोड़ रुपए,
सिल्वर मेडल लाने वालों को 75 लाख रुपए, ब्रॉन्ज मेडल लाने वालों को 25 लाख, 50 लाख रुपए, और उनके कोचेस को भी एनकरेज किया जाता है। अभी कुछ साल पहले एक घटना हुई है कि दिल्ली में हमने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शुरू की है। वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का कंस्ट्रक्शन अभी शुरू होगा, 3 साल लगेंगे उसे बनने में, लेकिन उसके तहत एक दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल चालू किया है, जिसमें पिछले साल 15,000 बच्चों ने देश भर से अप्लाई किया, उनकी रिगरस वो कंपटीशन हुआ, और उस कंपटीशन में 15,000 में से 172 बच्चों को चूज किया गया। ये 172 बच्चों को छठी से नौवीं क्लास के बच्चे हैं ये। तो जो मैं बता रहा था कि यंग बच्चों को हमने पकड़ लिया और उनको अब हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो मैं अभी स्कूल में घूम के आया था, बच्चों से काफी देर मैंने बात की, उनके कोचेस से बात की, और उनका हौसला देख के मेरे मेरे मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा कि शायद आने वाले भविष्य में दिल्ली जो है वो देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर खेलों में बहुत बड़ा नाम करेगी दिल्ली आने वाले समय में। ये 172 बच्चों को 10 ओलंपिक गेम्स के लिए तैयार किया जा रहा है। ये 10 गेम्स हैं एथलेटिक्स, आर्चरी, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, स्विमिंग, शूटिंग, वेटलिफ्टिंग एंड रेसलिंग। तो मैं पूरा घूम के आया था, इन 10 गेम्स के लिए इनको बेस्ट फैसिलिटीज दी गई है, बेस्ट इक्विपमेंट इनके लिए, बेस्ट स्पोर्ट्स के फैसिलिटीज इन लोगों के लिए प्रोक्योर की गई है, देश भर से बेस्ट कोचेज इन लोगों के लिए हायर किए गए हैं। पूरा दिन ये लोग अपनी स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन साथ साथ हमारा मकसद है कि ये बच्चे अनपढ़ ना रह जाएं। तो छठी में इनको एनरोल किया गया, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, इन क्लासेस में इनको अलग अलग क्लासेस में एनरोल किया गया है। तो इनको साथ साथ थोड़ी बहुत पढ़ाई कराई जाती है ताकि ये अपनी क्लास में पास हो सकें। और दिल्ली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से इस स्कूल को इस एफिलिएट किया गया है। तो अब इन लोगों को जब ये जाएंगे तो जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम की डिग्री होती है, ऐसे इन लोगों को अपने अपने स्पोर्ट्स के क्षेत्र के अंदर इनको बीए की डिग्री मिलेगी। तो मतलब कल को कोई अगर एग्जाम आपको कंपटीशन का देना है, भगवान करे आप वो बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत आगे बढ़े, लेकिन अगर स्पोर्ट्स में किसी वजह से रह जाते हैं तो कोई उनको ये नहीं कह सकता कि इसके पास बैचलर्स डिग्री नहीं है, मास्टर्स डिग्री नहीं है। उसके पास बैचलर्स इन क्रिकेट होगा, बैचलर्स इन बैडमिंटन होगा, और वो उसी के बराबर होगा जो दूसरी डिग्रीज होती हैं। तो वहां पे खेल ही पढ़ाई है, उस स्कूल के अंदर खेल ही पढ़ाई है। आप खेलो 24 घंटे खेलो, छठी क्लास में, सातवीं क्लास में, आठवीं क्लास। तो मैं समझ रहा हूँ छठी क्लास से जो बच्चा तैयारी करता करता आगे बढ़ेगा, वो डेफिनेटली, जब मैंने उनसे बात की, उनके कोचेस से और उन बच्चों से, जिससे भी पूछा मैंने, कहा क्या तुम्हारा मकसद है? जी ओलंपिक में गोल्ड लाना है। और मतलब सबके अर्जुन की आंख की तरह सबका एक ही मकसद है कि ओलंपिक में गोल्ड लाना है। कितने लाएंगे नहीं लाएंगे ये तो उनकी मेहनत पे और भविष्य पे तय निर्भर करेगा, लेकिन कम से कम आज सपना तो है सबकी आंखों के अंदर, और उस सपने के लिए सब लोग काम तो कर रहे हैं। तो मैंने उन सब बच्चों को यही आश्वासन दिया कि हमारी तरफ से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। मैं आप सब जितने आज खिलाड़ी हैं, आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा एक बार वहां घूम के आएं, आप लोग भी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से जुड़ें, जिस तरह से भी मदद कर सकते हैं आप लोग उसमें मदद करें, ताकि आपके जैसे, आज यहाँ पे 11 हैं, यहाँ पे अगली बार 110, 1100 बैठे होने चाहिए इस हॉल के अंदर हमारे दिल्ली के। और हम इसमें दिल्ली को देश से अलग करके नहीं देख रहे, पूरा देश अपना है। अगर मेडल मिलेगा तो देश को मिलेगा, चाहे दिल्ली वाले को मिले, चाहे हरियाणा वाले को मिले, देश को। तो हमने जो कॉम्पिटिशन किया इस स्पोर्ट्स स्कूल में, पूरे देश भर से 17 स्टेट से हमने 172 बच्चे छांटे हैं। तो किसी भी स्टेट का होगा तो अपने देश का अंत पंत में तो देश का ही नाम होगा ना, अपना देश ही आगे बढ़ेगा। तो फिर से मैं अंत में आप सब खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, एंड गॉड ब्लेस यू।